हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हैं। इस वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं आपको सीएनसी सिमुलेटर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और आगे वाली वीडियोस में मैं आपको इसे यूज़ करना सिखाऊंगा। तो चलें आप चलते अपनी वीडियोस की तरफ। माय कंप्यूटर खोल लें और यहां से आप जब सीएनसी सिमुलेटर को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये जिप फोल्डर में मिलेगा और इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपको फोल्डर मिलेगा। इसे ओपन कर लें और ये आपको एप्लीकेशन मिलेगी, इसे आप रन एज एडमिनिस्टर कर लें। तो गाइस आप इसे रन एज एडमिनिस्टर करने के बाद इसे यस कर दें। तो यस करने के बाद ये इस तरह से ये वेरीफाइंग करना शुरू कर देगा, वेरीफाइंग इंस्टॉलर। तो यहाँ पे आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो इंग्लिश सही है इंग्लिश, तो ओके कर लें। तो इस तरह से ये दिखाएगा इंटरफेस। यहाँ से नेक्स्ट कर दें, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बस सिर्फ इतना हिस्सा ही काम है, इसके बाद ये खुद ही सब कुछ कर लेगा। तो वेट करते हैं अब इसे मुकम्मल होने तक। तो इसे मुकम्मल होने तक मैं इसे, जब तक ये मुकम्मल होता है तब तक मैं इसे पॉज कर देता हूँ वीडियो को। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, तो फिर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मुकम्मल होने वाला है। तो ये मुकम्मल होता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। गाइस ये मुकम्मल होने वाला है, बस ये मुकम्मल हो गया। अब इसे रीड में तो नहीं करना है, हमने रन करना है। ये फिनिश कर दें रन पे टिक करके, तो ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से रन करें, रन करने के बाद आपको ये एक विंडो शो करेगा। ये वक्त इसके अंदर आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसी फोल्डर के अंदर से मिलेगा। ये की जीन है, जब आप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फोल्डर के अंदर ही एक की जीन भी होती है। इसे रन करें, रन करने के बाद यहाँ से ये सीरियल नंबर लें, कॉपी कर लें इसे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद इसे जनरेट कर दें। तो ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें और ओके कर दें। तो गाइस ये हमारा इंस्टॉल हो गया सीएनसी सिमुलेटर। मेरा कंप्यूटर अभी ज़्यादा हैवी नहीं, इसलिए ये रन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वैसे ये तो आराम से रन वगैरह हो जाता है, ये ज़्यादा हैवी नहीं, ये देखें आप देख सकते हैं ये चल गया। ये आपको इसका सारा कंट्रोल पैनल वगैरह मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आपको ये इसकी स्क्रीन बड़ी छोटी वगैरह आप कर सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, और आगे इसकी मुकम्मल प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब